नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तह दिल से स्वागत। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का तह दिल से और हाथ जोड़कर आपका सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं विक्की की पाठशाला के 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ आप ऐसे ही बने रहें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहले भी डाला था पर वो डिलीट हो गया। क्योंकि इस वीडियो को अगर आप ढंग से देखते हो तो आपका इकोनॉमिक्स के पेपर में आप एक 6 नंबर का क्वेश्चन 12th क्लास के लेवल पे आप ज़रूर अटैम्प्ट करके आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा कि परिवर्तित अनुपात का नियम किसे कहते हैं। उपयुक्त तालिका व रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, इसमें सबसे मेन बात है, मैं इसमें तालिका आप कैसे बना सकते हो एक शॉर्टकट ट्रिक से बिना याद किए, और इसके रेखा चित्र को बनाते समय यानी इसके डायग्राम को बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तालिका और रेखा चित्र, इस अनुपात के नियम को पूछने के लिए जरूर आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में दोस्तों। और साथ में दोस्तों, मैं आपको कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, उत्पादन के कारक, स्थिर कारक, परिवर्तित कारक, कारक का बढ़ता प्रतिफल, कारक का घटता प्रतिफल, कारक का ऋणात्मक प्रतिफल, कारक का शून्य प्रतिफल और कारक का स्थिर प्रतिफल, मैं इन सभी के बारे में इस नियम के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको परिवर्तित अनुपात के नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि परिवर्तित अनुपात का नियम किसे कहते हैं। इसके अर्थ को मैंने लिखा है, पहले इसके अर्थ को देखते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिखा है कि परिवर्तित अनुपात का नियम का अर्थ, दोस्तों ये अर्थ है इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात। यह नियम हमें बताता है कि जब अल्पकाल में, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है अल्पकाल, दीर्घकाल और अल्पकाल, ये अल्पकाल की स्थिति में लागू होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परिवर्तित अनुपात का नियम का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में अल्पकाल की स्थिति में करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये ध्यान रखें आप। में एक स्थिर कारक, दोस्तों ये स्थिर कारक क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है पूंजी, एक परिवर्तित कारक, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि परिवर्तित अनुपात का नियम किसे कहते हैं। परिवर्तित कारक क्या होता है दोस्तों, सॉरी माफी चाहता हूं। जैसे श्रम, ये श्रम मैंने यहां पे एग्जाम्पल दे रखा है कि इकाइयों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो पहली अवस्था यानी फर्स्ट स्टेज में एमपी यानी सीमांत उत्पाद बढ़ता है, जिसके कारण कुल उत्पाद यानी टीपी बढ़ती, यहां पे दोस्तों मैं लिखना भूल गया हूं, बढ़ती दर से बढ़ता है। इसे दोस्तों हम कारक का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं, कारक का बढ़ता प्रतिफल इसे कहा जाता है दोस्तों। फिर यानी दूसरी अवस्था में एमपी घटता है, जिसके कारण या जिसके फलस्वरूप कुल उत्पाद यानी टीपी घटती दर से बढ़ता है। वहां पे दोस्तों बढ़ती दर से बढ़ता है और यहां पे घटती दर से बढ़ता है। अभी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पहले हम इसके अर्थ को देखते हैं। घटती दर से बढ़ता है, इसे कारक का घटता प्रतिफल या हर्षमान प्रतिफल भी कहते हैं, जिसके कारण कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। अंत में यानी तीसरी अवस्था में दोस्तों एमपी यानी सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण कुल उत्पाद यानी टीपी घटने लगता है, इसे कारक का ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसको मोटे मोटे तौर पे बोलूं कि परिवर्तित अनुपात के नियम में 3 स्टेज होती है, 1, 2, 3, ये जो तीनों स्टेज में, एक स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जो एमपी होता है वो बढ़ता है, जिसके कारण जो हमारा टीपी होता है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरी स्टेज में दोस्तों एमपी घटता है, जिसके कारण कुल उत्पाद यानी टीपी घटती दर से बढ़ता है। और अंत में दोस्तों ये एमपी हमारा ऋणात्मक हो जाता है और
जिसके कारण जो हमारा कुल उत्पाद है वो घटने लगता है। तो दोस्तों ये तीन कुल मिला के स्टेज है, इसको समझने के लिए आगे मैं आपको तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बस आप बने रहें। अभी हमने इसके अर्थ को समझा है, अब दोस्तों मैं परिवर्तित अनुपात के नियम की तालिका किस प्रकार एक शॉर्टकट तरीके से बना सकता हूं, आप जरा ध्यान देना। देखिए दोस्तों ये है तालिका। तालिका अक्सर बच्चे यानी विद्यार्थी याद करते हैं, याद तो कर सकते हैं दोस्तों, बट ऐसा होता है याद की भी चीज आप भूल जाते हो। कुछ तरीके हैं मेरे पास इसके इसकी तालिका का, आप जरा ध्यान दें। दोस्तों मान लीजिए लैंड, लैंड यानी भूमि, आप जानते हैं भूमि एक स्थिर कारक है। स्थिर कारक क्या होता है दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं तो स्थिर कारक वह कारक होता है अल्पकाल की स्थिति में जिसमें वृद्धि नहीं की जा सकती, यानी शॉर्ट टाइम में हम उसकी जो यूनिट्स हैं उसमें इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी स्थिर कारक होते हैं उनकी अल्पकाल की स्थिति में हम उनमें वृद्धि नहीं कर सकते हैं। और यह है दोस्तों लेबर, लेबर यानी श्रम। श्रम एक परिवर्तित कारक है क्योंकि अल्पकाल की स्थिति में हम इसकी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जिसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है वो परिवर्तित कारक होता है जैसे कि श्रम, और अल्पकाल में जिसकी इकाइयों में वृद्धि नहीं की जा सकती वो होता है दोस्तों हमारा स्थिर कारक, जैसे कि यहां पे मैंने लैंड ले रखा है यानी भूमि, पूंजी ले सकते हो दोस्तों आप। तो आप पहले ये लिख लें, फिर उसके बाद दोस्तों आप टीपी लिखे, फिर आप एमपी लिखे, और फिर दोस्तों आप लिख दीजिए व्याख्या या एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हो दोस्तों। और आप यहां पे एक पॉइंट छोड़कर आठ बार एक लिख दें, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे मैंने एक से लेकर आठ तक गिनती लिखी, पर लिखा तो एक ही, क्योंकि दोस्तों ये जो लैंड है भूमि ये स्थिर कारक है, इसकी एक लिखने का मतलब यह है कि इसमें वृद्धि नहीं हुई। अब दोस्तों आप लिखो लेबर जो कि परिवर्तित है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। अब देखिए दोस्तों इसमें मैंने एक से लेकर आठ तक पूरी संख्याएं लिखी, क्यों? क्योंकि ये एक परिवर्तित कारक है, इसकी संख्या में वृद्धि की जा सकती है अल्पकाल में। अब दोस्तों ये देख रहे हो आप हाथ, इसी का खेल है सारा। आप क्या करोगे, आपने यहां से एक दो और इस पे तीन इस पे चार, यानी बेसिकली आप यहां पे एक दो तीन चार ये आपने लिखा, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा जीरो है और ये हमारा माइनस वन है। आप ऐसे समझ लीजिए एक दो तीन चार, ये जीरो ये माइनस एक। अब देखिए दोस्तों इसी से मैं कैसे बना दूंगा। आप जानते हो कि परिवर्तित अनुपात की पहली अवस्था में सीमांत उत्पाद बढ़ता है। आप मान लीजिए आप यहां बैठे हुए हो, एक पर बैठे हुए हो, आप बढ़ रहे हो, तो आप सीधे दो तीन चार, तो आप देखिए दो मैंने यहां बैठा हूं, इधर बैठा हुआ हूं, आप यहां पे बैठे हुए हो, इसको छोड़ दो, आप यहां से गिनना स्टार्ट कीजिए, दो तीन चार, मैंने लिखा दो तीन और चार, क्योंकि ये बढ़ता है, इस पहली अवस्था में सीमांत उत्पाद बढ़ता है। अब दोस्तों आप यहां आ गए हो, पहले आप यहां बैठे थे, यहां से आपने यहां 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 तीन बार आपने लिखे और अब यहां आ गए हो। अभी चार को छोड़ दो, अब लिखो तीन दो एक उल्टा, क्योंकि फिर दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पाद घटता है दोस्तों, सीमांत उत्पाद घटता है। तो मैंने लिखा तीन दो एक, फिर घट घट घटने यानी एक पर आ गया है, तो उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, जीरो, और फिर अंत में आ जाएगा दोस्तों माइनस एक। इसीलिए दोस्तों मैंने आठ तक लिखने के लिए कहा था, तीन बार ऐसे बढ़ता हुआ फिर तीन घटता हुआ एक जीरो, तो टोटल मिला के हो जाते हैं आठ। इसलिए दोस्तों आप आठ बार ऐसे लिख दें। अब दोस्तों इसी से आप टीपी निकाल सकते हो, क्योंकि आप जानते हो पहली इकाई पे दोनों समान होंगे, फिर आप इसमें जोड़ दो, इसको ये हो गया पांच, फिर आप इसमें जोड़ दो ये हो गया नौ, अब इसमें जोड़ दो ये हो गया बारह, इसमें जोड़ा आपने ये हो गया चौदह, ये हो गया पंद्रह। दोस्तों पंद्रह में जीरो जोड़ोगे पंद्रह ही रहेगा, और पंद्रह में से एक गया तो बचा चौदह। अब दोस्तों यहां पे आपने देखा, यहां पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपने यहां पर पहले बढ़ती
यहां से लेकर यहां तक आपका सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है, जिसे दोस्तों आप कारक का बढ़ता प्रतिफल कहोगे, प्रतिफल कहोगे, इसे आप हर्षमान प्रतिफल भी कहते हो। तो कारक का प्रतिफल की अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कितने आसान से लिख सकते हो। देखिए, जब एक स्थिर कारक के साथ परिवर्तित कारकों की संख्या में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो पहली अवस्था में सीमांत उत्पाद बढ़ता है, जिसके कारण कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। देख रहे हो दोस्तों, ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है, क्योंकि दो के बाद सीधे छलांग लगाई पांच पे, पांच के बाद सीधे छलांग लगाई नौ पे। आप देख रहे हो जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है और सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है, जिसके कारण कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बढ़ती दर से बढ़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसे ही दोस्तों हम कारक का प्रतिफल कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कारक का प्रतिफल क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो कि जब एक स्थिर कारक के साथ परिवर्तित कारकों की संख्या में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो पहली अवस्था में सीमांत उत्पाद बढ़ता है, जिसके कारण कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। इसी अवस्था को हम कारक का बढ़ता प्रतिफल कहते हैं दोस्तों। ये अल्पकाल की स्थिति में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान रखें दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी स्टेज, दूसरी बार में आपने देखा कि यहां पे सीमांत उत्पाद घट रहा है, ये सीमांत उत्पाद घट रहा है, जिसके कारण देखिए दोस्तों सीमांत उत्पाद यहां तक तो नौ तक बड़ी जल्दी आ गया था, सीधा जीरो से नौ कितनी तीन यूनिट पे आ गया, फिर नौ से चौदह बारह हुआ, बारह से फिर चौदह हुआ, चौदह के बाद फिर पंद्रह हुआ। आपने देखा यहां पे तो सीमांत उत्पाद बढ़ रहा था, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये बढ़ रहा है, यानी सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है दोस्तों। पर यहां पर आपने देखा कि सीमांत उत्पाद घटने लगा, जिसके कारण कुल उत्पाद बढ़ तो रहा है दोस्तों, पहले भी बढ़ रहा था अब भी बढ़ रहा है, दोनों स्थितियों में बढ़ रहा है, कारक के बढ़ते प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल दोनों में सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। आप देख सकते हो एक इकाई से लेकर छह इकाई तक सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है, परंतु पहली तीन इकाइयों में कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ रहा है, यानी तेजी से बढ़ रहा है, और चौथी से पांचवीं इकाई तक दोस्तों सीमांत उत्पाद बढ़ तो रहा है पर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीमांत उत्पाद घटने लगाता, और जब सीमांत उत्पाद घटने लगता है, जिसके कारण कुल उत्पाद बढ़ती घटती दर से बढ़ने लगता है, इसी दोस्तों हम कारक का घटता यानी हर्षमान प्रतिफल कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आप यहां पे देख सकते हो कि फिर सीमांत उत्पाद एक के बाद जीरो हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण कुल उत्पाद अधिकतम होता है। देखिए दोस्तों इस इकाई पर यानी सातवीं इकाई पर कुल उत्पाद अधिकतम है, पंद्रह इसकी जो मान है वो सातवीं इकाई पे प्राप्त हो रहा है, ये तब प्राप्त हो रहा है जब सीमांत उत्पाद हमारा शून्य है दोस्तों। इसके बाद सीमांत उत्पाद घटने लगता है, तो दोस्तों इसे हम कारक का शून्य प्रतिफल या फिर स्थिर प्रतिफल कहते हैं दोस्तों, स्थिर प्रतिफल। फिर दोस्तों अंत में आपने यहां पे देखा कि सीमांत उत्पाद घटने लगता है और सॉरी ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण कुल उत्पाद घटने लगता है, इसे कारक का ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं दोस्तों, ऋणात्मक प्रतिफल। तो दोस्तों आपको मैंने तालिका के माध्यम से परिवर्तित अनुपात के नियम को समझाया है, और मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया जिससे आप एग्जाम में बिना टेबल को याद किए कभी नहीं भूल सकते हो जिंदगी में, क्योंकि आपको मैंने एक बहुत अच्छा ही तरीका बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना दोस्तों। अब दोस्तों हम इसके रेखा चित्र की तरफ चलते हैं, मैं रेखा चित्र यानी इसके डायग्राम को बना के दिखाता हूं आपको कि हम इसके रेखा चित्र को हम कैसे बना सकते हैं। रेखा चित्र यानी डायग्राम, यानी डायग्राम। देखिए दोस्तों इसका डायग्राम अगर आपने बनाना है तो सबसे पहले आप एक ऐसी खींचें, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, फिर इसी के नीचे इतना ही बड़ा सेम लेंथ और सेम ब्रेथ का एक और बनाएं, दो डायग्राम बनाएं दोस्तों। आप दो में आप अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर सकते हो। और दोस्तों ये जो पहला बिंदु है, देखिए पहली अवस्था क्या है कि सीमांत उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है, तो दोस्तों आप यहां से जीरो से थोड़ा सा इधर हटके ज्यादा हाइट पे आप पॉइंट ले लें,
आपने ये पॉइंट ले लिया। और दोस्तों फिर एक और इससे आगे थोड़ा बढ़ते हुए एक और पॉइंट लें, बट उतनी हाइट में ना लें और उन दोनों पॉइंटों के बीच में गैप कम रखें। बस ये दो पॉइंट ही आपको रेखा चित्र सही बनवा देंगे आपका। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप पहले ऐसे यूं करेंगे, हल्के हल्की काल्पनिक रेखाएं खींचेंगे, यहां से भी आप काल्पनिक रेखा खींच देंगे, यहां पे आप ऐसी सीमांत उत्पाद दिखाएंगे। जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो आप जानते हो कि कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। देख रहे हो जीरो से कितनी जल्दी इसने बूस्ट किया और सीधे इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया। फिर सीमांत उत्पाद घटता है दोस्तों, सीमांत उत्पाद घटता है तो कुल उत्पाद बढ़ता है परंतु घटती दर से। आपने देखा यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो बहुत देर में इसने पूरी की है। फिर दोस्तों अंत में सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है जिसके कारण कुल उत्पाद अधिकतम होता है दोस्तों। फिर दोस्तों सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है यानी जीरो से नीचे चला जाता है दोस्तों। यहां पे ये जीरो है दोस्तों, जीरो से नीचे यानी ऋणात्मक। आपने देखा यहां पे जो हमारा एमपी है वो नेगेटिव है। आपने पाया कि जब सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है तो कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ रहा है, जब सीमांत उत्पाद घट रहा है तो कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ रहा है, जब सीमांत उत्पाद शून्य है तो कुल उत्पाद अधिकतम है, जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक है तो कुल उत्पाद घटने लगता है दोस्तों, टीपी। अब दोस्तों ये इसकी पहली स्टेज है, ये इसकी दूसरी स्टेज है और ये इसकी तीसरी स्टेज है। आप आसानी से, बहुत ही आसानी से, मैं थोड़ा और बता देता हूं, ये हमारा टीपी होता है दोस्तों, ये हमारा एमपी होता है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखिए कितनी आसानी से इस डायग्राम को समझ सकते हो मात्र इन दो बिंदुओं से। क्योंकि विद्यार्थी सोचते हैं कि बिल्कुल बुक की तरह हम इसको बना दें, ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा चेक होता है। आपके पॉइंट्स जहां पे ये जीरो है वहां पे टीपी आपका अधिकतम होना चाहिए, बस चेकर यही चेक करेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि जब सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है तो कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ रहा है, इसे दोस्तों हम कारक का बढ़ता प्रतिफल कहेंगे, बढ़ता प्रतिफल। ये जो पूरी स्टेज है ये कारक का बढ़ता प्रतिफल कहलाती है। फिर आप देख रहे हो कि जब दूसरी स्टेज में जब सीमांत उत्पाद घट रहा है तो ये जो तो हमारा कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ रहा है दोस्तों, इसे हम कारक का घटता प्रतिफल कहते हैं दोस्तों। और फिर आपने देखा कि यहां पे सीमांत उत्पाद शून्य है जिसके कारण यहां पर इस के बिंदु पर, मैं इसको एम बिंदु मान लेता हूं, कुछ भी आप मान सकते हो, इसको ए मान लो आप, इसको बी मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। आपने देखा कि एम बिंदु पर जब सीमांत उत्पाद शून्य है तो कुल उत्पाद अधिकतम है के बिंदु पर, इसे हम कारक का शून्य प्रतिफल या कारक का स्थिर प्रतिफल दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। फिर सीमांत उत्पाद घटता है, माफी चाहता हूं दोस्तों, फिर सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है जिसके कारण कुल उत्पाद घटने लगता है, इस अवस्था को दोस्तों हम कारक का ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं, ऋणात्मक प्रतिफल। आपको मैंने तीनों स्टेज के बारे में पूर्ण ज्ञान दिया है दोस्तों। अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो दोस्तों। मैं थोड़ा बिजी रहता हूं इसलिए मैं थोड़ा लेट वीडियो डालता हूं, बट मैं आपसे वादा करता हूं, आपने मुझे 1000 सब्सक्राइबर दिए हैं तो मैं बहुत मेहनत करूंगा आप सभी के साथ, अच्छे से अच्छा वीडियो डालूंगा दोस्तों। और मैंने ये जो वीडियो जो आपके लिए बनाया है, मैंने इससे पहले कुछ स्लाइड वाले भी वीडियो बनाए थे, वो वीडियो ज़्यादा नहीं देखे लोगों को, लोग मतलब आप सबने नहीं देखे, तो आप मुझे बता दें कि अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं जैसे मैं यहाँ पे कॉपी में बनाता हूँ या फिर स्लाइड वाले कंप्यूटर के थ्रू बनाता हूँ, पावर पॉइंट के थ्रू, जो भी अच्छा लगे आप मुझे बताएं, मैं वैसे ही बना दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको परिवर्तित अनुपात के नियम के बारे में बताया पूरा का पूरा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।
जय भारत।